हेलो फ्रेंड्स, द किचन हम वक्त में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई रेसिपी जिसका नाम है लंगर वाली आलू की सब्जी। हाँ जी, बहुत बेहतरीन रेसिपी है, बहुत बढ़िया रेसिपी है, सीधा लंगर वाली किचन से सीखी गई रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सब्जी का रंग कितना अच्छा आया हुआ है, कलर कितना बढ़िया आया हुआ है। तो देखिए कि ये कैसे बनती है, ये देखिए क्या वो रंग आया हुआ, क्या कलर है। सबसे पहले हमने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिसको हमने छील के धो लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है आलू। और अब आलू को हमें हाफ में काटना है, इसको ज़्यादा डाइसीज नहीं करने, बस आलू के दो पीस करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जब तक हम आलू काट रहे हैं, हमने एक पतीला रख दिया है जिसमें पानी उबलने के लिए हमने चढ़ा दिया है। ये 700 ग्राम के करीब आलू हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितने लोगों की सब्जी बनानी है और आपको कितने चाहिए। ये 15 लोगों के लिए काफ़ी है और हमें इसे अब उबलने के लिए छोड़ देना है। जब तक पानी उबल रहा है, हम एक मसाला तैयार करेंगे जिसमें हमने एक कप दही लिया है। ये 200 ग्राम के करीब दही है। ये हमने इसमें 3 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा डाला है और हमने इसमें अब गरम मसाला डाला है। ये हमने 1 चम्मच गरम मसाला डाला था और ये अब 1 चम्मच सौंफ डाली है। सौंफ बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है सब्जी में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने इसमें कस्तूरी मेथी डाली है, करीबन 3 चम्मच के करीब हमने कस्तूरी मेथी ली है। आपको सही अंदाजे रहे इसलिए हमने चम्मच से कस्तूरी मेथी डाली। उसके बाद हमने इसमें हींग डाली है 1/2 चम्मच के करीब। और अब इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाला है ताकि सब्जी में कलर अच्छा आए। अब ये हमारा मसाला तैयार है, हमें इसको मिक्स कर लेना है और अच्छे से दही को फेंट लेना है ताकि दही फटे ना। उसके बाद इसमें हमने चॉप्ड हरी मिर्ची डाली है। आप अपने हिसाब से हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं, आपको किस हिसाब से तीखा चाहिए। अब हमारा पानी उबल चुका है और हमें आलू उबालते हुए करीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद फ्लेम लो करके जो दही का मिक्सचर बनाया था वो डाल दिया है और इसको अब हम एक विस्क देंगे। अब आप देख सकते हैं सब्जी में कलर आ चुका है। अब हमने इसमें 4 से 5 साबुत लाल मिर्च डाली हैं और 4 बड़े टमाटर चॉप करके डाल दिए हैं। अब हमें सब्जी को उबालना है और उसमें अब हमें नमक डाल देना है स्वाद अनुसार। और ये सब्जी बनाने में हमें 30 से 40 मिनट लगते हैं। आप अगर चाहे, आपको ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी चाहिए हो, तो आप इसमें थोड़ा सा रोस्टेड बेसन भी डाल सकते हैं, 1 या 2 चम्मच बहुत रहेगा। उस बेसन को डालने का तरीका क्या है, आप एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले, बेसन डाल के अच्छे से मिक्स करें और वो इस ग्रेवी में, वो इस सब्जी में ऐड कर दे, तो आपकी
थोड़ी सी सब्जी गाढ़ी हो जाएगी। वह हमने ऐड नहीं किया था क्योंकि हमें ज़्यादा गाढ़ी सब्जी नहीं चाहिए थी, पर बाज़ार में लंगर में बेसन ऐड किया जाता है, तो आप करें, उसका भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है। अब हमें आलू को तोड़ लेना है, हमें सारे आलू नहीं तोड़ने हैं, कुछ कुछ आलू को ऐसे तोड़ लेना है, इससे भी ग्रेवी गाढ़ी होती है, सब्जी गाढ़ी होती है। और अब इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, अब हमारी सब्जी को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है, आलू भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर हम तड़का मारेंगे, आप इसमें घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ ऑयल का इस्तेमाल किया है, यह हमने ऑयल ले लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, इसके अंदर हमने चॉप्ड फाइन चॉप्ड जिंजर ऐड किया है, मतलब यानी कि अदरक ऐड किया, फाइन चॉप अदरक को हमें अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हमने इसमें 5 से 7 तेज पत्ता डाला है, हमें हर चीज़ अच्छे से भून लेनी है। और उसके बाद हमने इसमें जीरा डाला है, बहुत ज़रूरी है जीरा डालना, ये हमने करीबन 1.5 चम्मच के करीब इसमें जीरा डाला है। और बिल्कुल लास्ट में हमें इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है। ताकि ये हमारी सब्जी को एक बहुत बेहतरीन कलर दे। हमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने के बाद ये ज़्यादा देर गैस पे नहीं रखना है, और आप एक प्लेट साथ रखें ऐसे, और डालते ही उस पर प्लेट ढक दे ताकि खुशबू सारी सब्जी के अंदर चली जाए। फिर हमें 2 मिनट बाद ये प्लेट हटानी है, और आप देख सकते हैं कि सब्जी कितनी गाढ़ी और कितना अच्छा रंग आ चुका है सब्जी में। अब हम इसकी फ्लेम बंद करते हैं, ये देखिए हमने ये फ्लेम बंद कर दिया, तो ये सारा ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये हमारी सब्जी तैयार है, हम उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आई। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।